Come on. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम सब कैसे? आई होप आप सब मौज में हो। मैं भी एकदम मौज में हूँ। तो आज का सीन कुछ ये है कि यहाँ पे जो हमारी गाय है उनको चारा हो गया है खत्म। जो हरा चारा होता है वो पूरा का पूरा हो गया है खत्म, और जो सूखा चारा है वो तो बहुत है अभी तक, लेकिन हरा जो चारा है वो पूरा हो गया है खत्म। तो आज मैं और मेरे मामा जी है, हम दोनों आज जो है कि चारा की खोज में जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे आजू बाजू में 5-10 किलोमीटर जो भी चारा था वो पूरा का पूरा हो गया है खत्म। तो अभी हमें लगभग आजू बाजू के 5-6 गांव है छोटे छोटे, वहां पे अभी हमें जाना पड़ेगा और गांव में जाके चारा जो है खोजना पड़ेगा। वो भी पैसे दे के खरीद के लाना है, लेकिन वहां जाके उनको पूछना पड़ेगा कि भाई आपका चारा देना है। अगर यहाँ पे कुछ नजदीक मिल गया तो बहुत अच्छा है, दूर मिलता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे पास है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर आपको भी पता है इतना जोर से चलता नहीं। अगर 15-20 किलोमीटर अगर दूर होता है तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी मैं और मामा जी दोनों निकल रहे हैं बाइक बुलेट लेके, आजू बाजू के जो 2-4 गाँव हैं या 5-6 गाँव हैं घूमते हैं, कहीं भी अगर हरा चारा मिल जाता है तो बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि लगभग 2-4 दिन से हरा जो चारा है वो खत्म हो गया है और गाय को अभी फिलहाल तो सूखा ही चारा है। तो अभी मामा जी जो है कि अभी नहा भी के एकदम तैयार हो रहे हैं, और मैं तो अभी एकदम तैयारी होके खड़ा हूँ। तो मामा जी को बोला चलो फिर चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ का जो मिल्किंग का काम था हो गया था खत्म, और दूध भी मैं जाके गाँव में डेयरी में डाल के वापस आ गया था। तो अभी फिलहाल जो है कि यहाँ से तुरंत मैं और मामा जी निकल रहे हैं। अरे यू तो ये जो है फिलहाल इसका नाम है धमा। आप सब ने इसको मेरे ब्लॉग में लगभग पहली बार ही देखा है, और काफी समझदार है, और दिख भी कतई शानदार है। कैसे देख रहे? देखो, बहुत क्यूट है। तो इसका नाम है धमा, और अपना लालिया का क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो चल यार हल। अरे अरे छोड़ ले धमा धमा, अरे छोड़ छोड़ पैर छोड़ मेरा छोड़ पैर धमा। बहुत सारे मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मेरे को पूछा था कि भाई आपका लालिया कहाँ गया, धमा लालिया कहाँ गया, लालिया कहाँ गया। तो फिलहाल जो है कि हमने लालिया को है यहाँ से कहीं दूर जाके छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे वो इतना खतरनाक और इतना डेंजर था कि अगर हम उसको हमेशा बांध के रखते थे, अगर एक दिन भी गलती से अगर वो ऐसे ही छूटा रह जाता है, तो अगर कोई छोटे बच्चे हो या आजू बाजू का जो भी हो सीधा अटैक कर देता था। तो लगभग 2-4 बार ऐसा हो गया कि बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, लगभग तो आजू बाजू के जो गांव के छोटे छोटे बच्चे मुझे भी मिलने के लिए यहाँ पे आते हैं, जिनको पता है उनको, तो क्या हो गया कि डायरेक्ट अटैक कर दिया था। तो उसकी वजह से मैंने बोला किसी को अगर काट लेता है तो फिर उसकी वजह से हमने क्या किया कि उसको 2-4 गांव दूर जाके छोड़ दिया। वो जिनके पास से हम लाए थे उनको भी हमने कॉल किया था कि भाई अगर आप चाहते हो तो मैं इनको लाले को जो है आपके घर वापस छोड़ के जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं खुद तंग आ गया हूँ उससे, इसकी वजह से मैंने आपको दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी बहुत तंग कर रहा था, लेकिन हमारे घर वालों को नहीं, लेकिन ये जो सामने वाले हमारे मामा जी है, विजय है, और हमारे बाजू के घर वाले, सबको हमारे घर में किसी की नो एंट्री थी, जो भी इधर आता है तो सीधा अटैक कर देता। तो उसकी वजह से हमने क्या किया कि लालू को छोड़ दिया, और फिलहाल जो ये धमा है, धमा अच्छा अरे तो ये जो धमा है ये मामा का है। तो फिलहाल मैं अभी दूध दे के आ रहा था तो उसको मैं इधर लेके आ गया। अरे धमा,
और अभी कुछ ही दिनों में मैं एक नया वाला डॉग लाने वाला हूँ, और वो भी इंग्लिश, तो उसका भी मैं अगले व्लॉग में या उसके अगले व्लॉग में, क्योंकि अभी कुछ दिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है, जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो मैं जो है वो जो डॉग फार्म वाले जो जहाँ पे कुछ डॉग जो सेल करते हैं उनसे मेरी बातचीत हो गई है, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है आप 8-10 दिन में आ जाओ, हम आपको दिखाएंगे। तो लगभग इतने में तो 8-10 दिन में मेरे को भी बहुत ज़्यादा काम है, जैसे काम मेरा ख़त्म हो जाता है तो मैं जाके वो जो छोटा वाला एकदम लेके आऊँगा। और वैसे ये भी कतई काफ़ी शानदार और काफ़ी समझदार है, तमाम। तो अभी फिलहाल जो है कि मैं और मामा जी चलते हैं घास देखने के लिए, और ये जो धमा है इसको भी मामा के घर पे छोड़ देते हैं। चलिए धमा हल करे हल हल ना ले धमा देखो धमा छोड़ धमा छोड़ छोड़ मुझे जाना छोड़ दे धमा। तो फिलहाल जो मामा है बुलेट लेके आ चुके हैं अभी। अभी फिलहाल जो है कि हम यहाँ पे पैदल पैदल जा रहे हैं, रोड नहीं हुई पे रास्ता हमें नहीं मिल रहा है, हमें ओ साइड को जाना है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। मामा जी आगे देखने के लिए गए हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने ये साइड से देख लिया लेकिन वो जो घास है बहुत छोटा छोटा है, तो इसकी वजह से वो काट के घर पे लेके जाना है तो उसको बहुत टाइम लगने वाला है, तो उसकी वजह से फिलहाल ये तो चलने वाला है नहीं, तो फिर अभी और आगे चलते हैं। मामा जी आ रहे हैं और यहाँ का जो वातावरण है देख लो आप, कतई शानदार, पूरी हरियाली हरियाली। फिलहाल मामा जी है वहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमो, क्योंकि उनके पास भी गाय है, जर्सी है, एचएफ है और एक गिर गाय है, तो उसके लिए चारा लाने के लिए जो ये वाला मैक्सिमो की हमें एक ज़रूरत है, क्योंकि फिलहाल ट्रैक्टर है उनके पास लेकिन कहीं अगर 15-20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तो ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसकी वजह से हम यहाँ 2-4 गाँव घूमे चारा के लिए। तो बीच में हमें एक भाई मिला तो उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पर एक मैक्सिमो है अगर आपको लेना है, तो मामा जी बोले चलो देख के जाएंगे, तो फिलहाल ये मैक्सिमो देखते हैं, अगर उनको पसंद आता है तो फिर वो व्यवहार वगैरह कर देंगे और फिर लेके जाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम नहीं तो और कुछ लेने वाले हैं ऐसे भी। तो फिलहाल अभी यहाँ तो इस साइड तो पूरा जो है वो गांव में लगभग हमने देखा, कहीं चारा यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि अभी तक बहुत छोटा छोटा है, और बारिश ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया है कि जो जार है जुआर है वो सब ज़्यादा पानी भरने की वजह से जल गया, तो इसकी वजह से दिक्कत आ गई थोड़ी सी चारा की, नहीं तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। तो अभी फिलहाल मामा जी लगभग हाँ देख लिया है तो अभी निकलते हैं। दो चार गांव में
में तो घूम लिया। अभी यहाँ पे एक हमारे अंकल है, ये वाले अंकल, तो ये घर इनका है। तो अभी फिलहाल वो बोले मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर आगे एक गांव है, वहाँ से ये वाला घास वो वहाँ से लाते हैं। तो बोले चलो मैं बताता हूँ वहाँ पे। तो अभी यहाँ से उनके साथ हमें आगे जाने वाले हैं। तो फिलहाल वो बोले 5-10 मिनट रुको, उनके गाय को जो है चारा वगैरह कर देते हैं। उनके पास है भैंस, बाकी भैंस जो है वो अभी चरने के लिए गए हैं, और पीछे एक भैंस है, बाकी जो गाय है वो घर के पीछे बांध दिए हैं। तो अभी फिलहाल जो है कि यहाँ इन गाय को चारा करेंगे, और ये अंकल और वो मामा, हम तीनों फिर यहाँ से आगे जाएंगे। फिलहाल जो है कि देख सकते हैं आप, ये वाला घास है, ये अभी जो हमारे साथ अंकल है उनका है। तो अभी फिलहाल उन्होंने काट के रखा है, तो अभी वो बाद में आके भर के लेके जाएंगे। और उन्होंने हमें बोला है कि अगर आपको लेके जाना है तो आप आगे से उधर से काट के लेके जाओ। वैसे घास तो कतई शानदार है, घास है वो देख लिया है हमने, और चाचा जी और मामा जी दोनों है वो देख सकते हो आगे खड़े हैं। और अभी देख लिया है, अभी सोचेंगे कल यहाँ पे घास काटने आना है या नहीं, क्योंकि यहाँ से लगभग हमारे घर से ये 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, और यहाँ से लगभग जहाँ से घास उठाना है और उसको लेके जाना है रास्ते पे। अभी यहाँ से लगभग 600-700 मीटर दूर है, तो इतना सारा उठा के रास्ते पे लेके जाने के लिए लगभग बहुत मुश्किल है। तो उसकी वजह से सोचेंगे कल अब क्या करना है क्या नहीं, अभी तो फिलहाल देख लेते हैं। तो फिलहाल जो है कि यहाँ पे हमने देख लिया है, अभी फिलहाल चलते हैं घर पे, और बाद में मामा और मैं बैठ के इस पर सोचेंगे ये जो घास है वो काटने के लिए आना है या नहीं, क्योंकि इधर बहुत साइज में भी बहुत छोटा है, और यहाँ से जो उठा के लेके भी बहुत दूर जाना है, रास्ता यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। तो देखते हैं अभी घर पे जाके, अभी फिलहाल तो निकलते हैं घर पे। तो फिलहाल अभी निकलते हैं, और जो अंकल है उन्होंने जो ये वाला घास है वो साइड से रखा है, तो बोले खाली ये जो गाड़ी है उधर छोड़ दो और बाद में तुम जाओ। तो पहले ये गाड़ी उधर छोड़ते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। अभी मामा मेरे साथ चल रहे हैं उधर, फिलहाल तो ये लॉक है। फिलहाल तो गर्मी बहुत है, और गाड़ी की अगर बात करूँ तो ये वाली गाड़ी जो है मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ, वैसे मैं फोर व्हीलर गाड़ी बहुत कम चला रहा हूँ। हाँ चालू तो हो गई। रास्ता ये साइड है, मैं आगे चला गया, रुक जाओ। हेलो। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं घर पे, और जो घास है वो देख के आए, एक खेत जो है वो अभी हम कंफर्म करके आए हैं। तो उनको बोला है हम घर पे जाके मैं और मामा दोनों बैठ के उस पर विचार करेंगे, बाद में बोलेंगे हाँ हम आने वाले, तो कल जाएंगे, क्योंकि कल हमें लगभग गाड़ी की डिलीवरी भी लेने जाना है, क्योंकि अभी तक वो कुछ डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम था, तो अभी तक वो सबमिट नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला भाई 2 दिन रुकना पड़ेगा, तो लगभग आज हो जाएगा, तो लगभग कल लगभग गाड़ी लेने के लिए गए तो घास काटने के लिए कल नहीं जाएंगे, तो परसों जाएंगे, और गाड़ी लेने को कल नहीं गए तो फिर घास काटने को जाएंगे। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आए, तो व्लॉग को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम ऐसे डेली जो भी काम करते हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे, और हमारा जो ये गांव की जो मौज है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो जय श्री कृष्ण, मिलते हैं कोई नए व्लॉग में।